नमस्कार, आप दुनिया की फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालेंगे आज की खास खबरों पर। पीएम मोदी के अपमान पर मुश्किल में मालदीव विदेश मंत्रालय ने मालदीव के राजदूत को तलब कर जताई आपत्ति, मालदीव के विदेश मंत्रालय ने भी दी सफाई। भारत से विवाद के बाद अलग थलग पड़ा मालदीव, चीन ने भी नसीहत दी। मालदीव के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद मोइजू चीन के प्रति काफी झुकाव वाले नेता माने जाते हैं। मालदीव के मंत्री ने पीएम मोदी को इसराइल की कठपुतली बयान से नाराज, इसराइल ने तैयार किया लक्षद्वीप में खरे पानी को मीठे पानी में बदलने का प्लान। यात्रा संबंधी सेवाएं देने वाले मेक माई ट्रिप ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप जाने के बाद से उनके मंच पर लक्षद्वीप के बारे में सर्च 3400% बढ़ी। अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर में रामलाला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले मंदिर ट्रस्ट का बड़ा फैसला, 17 जनवरी को प्रतिमा को पूरे अयोध्या नगर में घुमाने का कार्यक्रम हुआ रद्द। ट्रस्ट इस दिन राम जन्मभूमि मंदिर के परिसर के अंदर प्रतिमा के भ्रमण की व्यवस्था करेगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बोले बिल्किस बानो, आज सचमुच मेरे लिए नया साल है, मैं खुशी के आंसू रोई हूं। शीर्ष अदालत ने रद्द किया 11 दोषियों की सजा माफ करने संबंधी गुजरात सरकार का फैसला। बिल्किस बानो केस को लेकर बीजेपी पर भड़के राहुल गांधी, बोले सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने बता दिया अपराधियों का संरक्षक कौन। मध्य प्रदेश में शीतलहर की वजह से बदला स्कूलों का समय, सुबह की शिफ्ट में संचालित होने वाले सभी स्कूल प्रातः 10 बजे से खुलेंगे, 20 जनवरी तक बदले समय पर ही संचालित होंगे स्कूल। फ्रांस के प्रधानमंत्री एलिजाबेथ बॉर्न ने दिया पद से इस्तीफा, आप्रवासन के कारण पैदा हुए हालिया राजनीतिक तनाव को लेकर छोड़ा पद। दिसंबर में सस्ती हुई भोजन की थाली, शाकाहारी भोजन की थाली की लागत में 3% और मांसाहारी थाली की कीमत में 5% की कमी, प्याज और टमाटर की कीमतों में गिरावट का असर। ये थे आज के फटाफट बुलेटिन, और ऐसे ही ताजा अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, यानी कि विजिट करें आप दुनिया पर।